नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लाइफ में एक सही करियर चुनने के साथ एक अच्छी और आरामदायक जॉब पाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। हम अपनी लाइफ के 45 साल नौकरी करने में ही बिता देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और ऐसी जॉब करने लगते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती या वो उस जॉब से संतुष्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जॉब से बोरिंग हो गए हैं तो आइए दोस्तों जानते हैं 5 ऐसी जॉब के बारे में। ये जॉब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन दोस्तों, उसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नंबर 1 है प्रोफेशनल अपोलोजाइजर। दोस्तों, इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। कई बार इंसान अनजाने में गलती कर बैठता है, वहीं कुछ लोग जानबूझकर भी गलती करते हैं। लेकिन गलती करने पर माफ़ी मांगना बताता है कि आपको गलती का एहसास हो चुका है और आप उस पर शर्मिंदा हैं। लेकिन कुछ लोग गलती का एहसास होने पर भी माफ़ी मांगने से झिझकते हैं, जिसके लिए जापान ने एक अनोखा उपाय निकाला है। वो है प्रोफेशनल अपोलोजाइजर की जॉब। अगर जापान में आपसे कोई गलती हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप उस गलती के लिए माफ़ी मांगे। दरअसल वहाँ माफ़ी मांगने के लिए आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से माफ़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रोफेशनल अपोलोजाइजर होगा और माफ़ी मांगना उसकी जॉब होगी। नंबर 2 है आर्मपिट स्नेफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिओड्रेंट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां डिओड्रेंट की गंध से लड़ने वाली शक्तियों का परीक्षण कैसे करती हैं? दुर्गंध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए आर्मपिट स्नेफर यानी बगल सूंघने वाले लोगों की मदद ली जाती है। ये वो लोग हैं जो कई बार एक घंटे में 60 आर्मपिट तक सूंघ लेते हैं। आर्मपिट स्नेफर नए परफ्यूम को अलग अलग बदबूदार लोगों के आर्मपिट यानी बगल पर लगाते हैं और फिर उसे सूंघकर नए परफ्यूम की जांच करते हैं। दोस्तों, भले ही ये आपको गंदी जॉब लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए आर्मपिट स्नेफर को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। नंबर 3 है ट्रेन पुशर। दोस्तों, ज्यादा आबादी वाली जगहों पर आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट में भी बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की बस, ट्रेन या मेट्रो में चढ़ नहीं पाते और ऑफिस, कॉलेज या स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जापान में लोग अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए यहाँ खास तौर पर मेट्रो में लोगों को चढ़ाने के लिए मेट्रो पुलर काम करते हैं। इनका काम मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धक्का देकर कोच के अंदर पहुँचाना होता है, जिससे कि लोग लेट होने से बच सकें। नंबर 4 है बैड टेस्टर। दोस्तों, ये जॉब भला किसे पसंद नहीं होगी, जिस जॉब में केवल आपको बिस्तर पर सोने के पैसे दिए जाते हों। ऐसी जॉब तो किसी सपने की तरह लगती है। दुनिया की सबसे आरामदायक नौकरी होती है बेड टेस्टर की। इस जॉब में बड़ी बड़ी कंपनियां और होटल्स आपको बेड पर सोकर बेड को टेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसके बाद अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट में लिख करके कंपनी को देनी होती है। इसका काम यह टेस्ट करना होता है कि गद्दे का कोई हिस्सा खराब या ऊपर नीचे तो नहीं, बिस्तर किनारे पर बैठने के लिए मजबूत है कि नहीं। इतना ही नहीं, कई बार तो डॉक्टर स्लीप स्टडी की रिसर्च के लिए बेड टेस्टर रखते हैं। तो दोस्तों, हुई ना ये दुनिया की सबसे मजेदार और आरामदायक जॉब। नंबर 5 है कार प्लेट ब्लॉकर। दोस्तों, दुनिया में आपको सड़कों पर आदमियों के साथ कई कारें, बाइक्स या बसों की लाइन दिखाई देगी। ऐसी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ईरान ने एक अजीब नियम बनाया है, जिसमें सम और विषम संख्याओं के वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाती है। सप्ताह के 3 दिन सम, सप्ताह के 3 दिन सम और बाकी के दिनों विषम संख्या की कारें सड़क पर चलाई जा सकती हैं। इस नियम को तोड़ने वाले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस नियम को तोड़ने से बचने के लिए वहां के लोगों ने कार प्लेट ब्लॉकर यानी कुछ ऐसे लोगों को जॉब पर रखा है जो कार मालिकों की कारों के नंबर की प्लेट को छुपा कर चले, जिससे कि कैमरे पर उनकी कार की नंबर प्लेट ही दिखाई ना दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे रोचक भरे वीडियो ला सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।